दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में दो डेट्स के बीच में काउंट इफ फार्मूला कैसे लगाते हैं। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता काउंट इफ या काउंट इफ फार्मूला क्या होते हैं तो ऊपर आई बटन पे हमने इनके वीडियोस का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने इनका लिंक दिया है। तो आ जाते हैं फिर से इस वीडियो पर। दोस्तों दो डेट्स के बीच में काउंट इफ फार्मूले की मदद से हम पता कर सकते हैं कि इस डेट्स में हमारे पास कितने ऑर्डर हैं। दोस्तों मॉल्स हो गया या छोटे स्टोर वगैरह हो गया तो हमें वहाँ पर ज़्यादातर जरूरत पड़ती है कि हाँ इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में हमारे पास कितने ऑर्डर हैं, मतलब कितने स्टॉक के हमारे पास ऑर्डर आए तो या क्वांटिटी हमारे पास कितने ऑर्डर हैं। तो इसकी मदद से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर एक डेटाबेस हमारा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीरियल नंबर हमने लिखा है, ऑर्डर डेट हमने लिखी है, मतलब किस डेट में हमारे पास ऑर्डर आया है वो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर हमने स्टॉक यहाँ पर लिखा है, किस स्टॉक का ऑर्डर आया, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस क्या है, और यहाँ पर टोटल टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया। आपको क्वांटिटी वाली सेल और प्राइस वाली सेल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पर टोटल आपका निकल के आ जाएगा। अब आ जाते हैं इधर जो क्वेरीज है हमारी आज की। तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब एक डेट हमने यहाँ पे बताई है कि किस डेट से हमारा स्टार्ट होगा और दूसरा यहाँ पर है हमने क्या दिया एंड डेट, मतलब इस डेट से लेकर इस डेट तक हमें यहाँ पर देखना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है 1 तारीख से हमारी स्टार्ट हो और 10 तारीख तक हमें देखना है। डेट आप कोई भी डाल सकते हो, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको डेटाबेस कैसा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला, सिंटेक्स हम समझ लेते हैं फॉर्मूला लगाने से पहले। दोस्तों इससे क्या होता है फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाता है और आपको और आसानी से समझ हो जाता है आ जाता है कि यहाँ पर कि फॉर्मूला हमें लगाना कैसे है। तो आप यहाँ पर देखें इक्वल साइन आपको लगाना है और लिखना है काउंट इफ्स, ये ध्यान दें इक्वल साइन लगाना कंपलसरी, काउंट इफ्स आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर बी थ्री और बी सेवनटीन हमारा सेल एड्रेस है, जो यहाँ पर ऑर्डर डेट आप देख रहे हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट है B3 और ये हमारा B17। तो ये हमारा क्या हो गया सेल एड्रेस है। ये आपका डेटाबेस पे डिपेंड करता है, हमारा डेटाबेस इतना है, आपका डेटाबेस इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। फिर यहाँ पर कॉमा आपको लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब इस डेट से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। मतलब ये हमारा पहला हो गया ग्रेटर देन इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद कर देना है। फिर यहाँ पर एंड का साइन लगाना है I7, I7 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो हमारी ये सेल है स्टार्ट डेट वाली जो हमने यहाँ पर दिया सेल, ये हमारी क्या हो गई I7 हो गई। कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर B3 B17 ये भी हमारा सेम है, वही सेल एड्रेस हमारा हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस बार हमने क्या लिखा लेस देन और इक्वल, और फिर यहाँ पर एंड का साइन और यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पर J7 जो हमने दिया है ये हमारा क्या हो गया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। अब यही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगा देना है, मतलब जो फॉर्मूला हमने आपको समझाया वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगा देना है जिससे हम पता कर सकते हैं कि टोटल 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कितने ऑर्डर आए। तो यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर लिखते हैं हम काउंट इफ्स, काउंट इफ्स और यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखें सबसे पहला यहाँ पर क्या आता है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी यहाँ पे क्या है B3 B7 जो हमने आपको यहाँ पर रेंज बताई सेल एड्रेस जो हमारी थी वो रेंज आपको यहाँ पर पूरी सेलेक्ट कर लेना है जिससे हाँ पता चलता है कि इस डेट का डेटाबेस हमारा है। तो हमें यह करना है क्राइटेरिया रेंज में आना है और ये पूरा डेटाबेस हमें यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। B3 से B17 हमारा था वो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको सेम उसी तरह यहाँ पर भी लिखना है इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन फिर इक्वल साइन और इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर यहाँ पर एंड का साइन आपको लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है स्टार्ट डेट पर, जो डेट हमारी स्टार्ट थी हमें स्टार्ट डेट पर यहाँ पर आ जाना है। ये हमारा हो गया I7, मतलब पहली रेंज हमारी यहाँ पर जो थी वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर कॉमा लगाते हैं, मतलब पहली रेंज हमारी क्राइटेरिया रेंज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और पहला क्राइटेरिया जो हमारा था वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या थी B3 से B17, क्राइटेरिया हमारा क्या है कि इस डेट से हमारा यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें यही सेलेक्ट करना है, मतलब जो हमारा एड्रेस था वही सेल एड्रेस हमें दोबारा से देना है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा B3 कॉलन साइन लगाते हैं और यहाँ पर B17।
फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इस बार हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेस देन लगाना है, लेस देन इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर यहाँ पर एंड का साइन। और इस बार हमारी कौन सी डेट है यहाँ पर, 10 तारीख वाली, तो इसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो ये पूरा फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब सबसे पहले हमें सेल एड्रेस यहाँ पर दे देना है, फिर यहाँ पर क्राइटेरिया दे देना है कि क्राइटेरिया हमारा क्या है, किस डेट से हमें स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर सेल एड्रेस हमें देना है, और यहाँ पर फिर से आपको क्राइटेरिया दे देना है किस डेट तक है। दोस्तों काउंटिस्ट फॉर्मूले का मेन फायदा हमारा यही होता है कि इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हम जितने चाहे उतने क्राइटेरिया यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, और जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आता है, 4, मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 4 डेट्स हमारी हैं। अब यहाँ पर अगर हम आ जाए ऑर्डर में, अगर हम देखें ऑर्डर डेट हमारी, तो आप देखें डेट हमारी ये हाईलाइट करते जाते हैं जिसमें अब याद रहे। फिर यहाँ पर आए दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें सेम यही, ये भी हाईलाइट कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर आए 6 तारीख, ये यहाँ पे हो गई। फिर अगर हम यहाँ पर आए तो 7 तारीख, और अगर आप डेटाबेस में देखें कहीं पर भी हमारे यहाँ पर जनवरी की डेट नहीं, मतलब 1/1/2020, 1/1/2020, 6/1/2020, 7/1/2020, तो यहाँ पर 4 ऑर्डर हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आए। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम डेट्स कम कर दें, हमने यहाँ पर 10 लिखा है, हमने 10 की जगह यहाँ पे लिख दिया 5/01 और यहाँ पर 20, तो आप देखें खाली 2 ऑर्डर आए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 तारीख और 1 तारीख, बाकी ये 6 और 7 हमारे इसके 5 से ज़्यादा के हैं, तो यहाँ पर खाली 2 ऑर्डर हमारे हैं, तो इसलिए 2 ऑर्डर हमें यहाँ पर दिखा रहा है। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर काउंटिस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, और 2 डेट्स के बीच में कितने ऑर्डर हैं ये आप आसानी से यहाँ पर पता कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।